किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया और आज 4 दिन बीत चुका है, वेंटिलेटर में है, स्थिति नाजुक है। डॉक्टर से भी मिले तो गंभीर स्थिति डॉक्टर ने भी बताया, बोल रहे हैं कि रिकवर हुआ है, लेकिन जब तक लड़का का होश में नहीं आने तक हम कैसे बता सकते हैं। दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, उसी प्रकार 5 तारीख की रात 6:30 बजे का टाइम था और उसी बीच रंगामाटी और शिल्ली रूट में एक दर्दनाक एक्सीडेंट होता है, जिसमें से जो व्यक्ति खड़े थे साइड में रोड के बगल में, उनको एक ट्रक आके टक्कर मारता है और मारने के बाद उसे जो नर्सिंग होम है सिल्ली का, वहाँ पे एडमिट किया जाता है। लेकिन उनका अभी जो हाल है वो कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं, उसका जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है। उसी को लेकर ट्रक के जो ओनर हैं वो भी आए हुए हैं और JBKSS के तमाम लोग आए हुए हैं उनसे ये वार्ता करने के लिए कि किस तरह से उसको सही उपचार दिया जाए, उसको लेकर क्या कुछ किया जाए ताकि वो जो व्यक्ति है उसको सही ढंग से सही सलामत उनका जो रिकवरी है वो हो सके। हमारे बीच ट्रक ओनर है दादा, जिस तरह से आप ये घटना जो हुआ है इसको आप मानते हैं कि आपके ट्रक ने ही किया है जी? तो ये जो कहीं ना कहीं गरीब पीड़ित वर्ग हैं इनके साथ आप सही उपचार को लेकर इलाज के टाइम सही टाइम पे आप खड़ा रहेंगे इन लोगों के साथ? जी बेहतर इलाज के लिए यहाँ से रांची मेदांता ना मेदांता ले जा रहे हैं, इसका जो कुछ भी खर्चा ही होगा वो करेंगे। साइड से ही होगा ना जी? तो दादा जिस तरह से तमाम JBKSS के टीम भी यहाँ आई हुई हैं, इन लोग से भी बातें करने की कोशिश करते हैं, आपके इस क्षेत्र में इस तरह का घटना होता है, कैसे देखते हैं इसको? कि घटना तो सारे जगह पे होता ही है, लेकिन इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? जी यह जो घटना घटा था सोनाहतु प्रखंड के अंतर्गत एक सलवांदा गांव है, वहां का सुरेश निवासी लगभग 25-26 वर्षीय है। यह रोड किनारे खड़ा था और अचानक इनका ट्रक जा रही थी और किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया और आज 4 दिन बीत चुका है, वेंटिलेटर में है, स्थिति नाजुक है। डॉक्टर से भी मिले तो गंभीर स्थिति डॉक्टर ने भी बताया। अभी हम लोग पूरा सिल्ली के JBKSS की टीम पहुँचे हुए हैं और परिजन है जो घायल, जो हमारा सुरेश भाई जिनका इलाज चल रहा है, उनके पिताजी हैं, उनके चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, उनके ससुर जी हैं, हम लोग पूरे JBKSS के सभी सक्रिय सदस्य लोग हैं, ट्रक ओनर भी हैं साथ में जो हजारीबाग से आए हुए हैं। हम लोग के बीच लंबी वार्ता के बाद हम लोग का सहमति बना कि चूँकि यहाँ कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटा नहीं रहते हैं, बीच बीच में आते हैं तो निगरानी और बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, और इसका बेहतर इलाज के लिए एक समझौता हुआ और ट्रक ओनर सुरेश जी ने इस बात को स्वीकार किए कि आगे हम मेदांता में इनका एडमिट करेंगे और उनका जितना दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा या जब तक वो ठीक नहीं होंगे उसका ठीक होने तक सारा खर्च बेहतर से बेहतर इलाज के लिए टोटल A to Z खर्च करेंगे, चाहे उनका रहने का हो, दवा का हो, इंजेक्शन का हो, डॉक्टर का हो, टेस्ट का हो, जांच का हो, सभी प्रकार के कुल खर्च का वहन करेंगे और ट्रीटमेंट से ही इनका हम लोग मांग किए हैं और आगे फिर जैसा आगे सिचुएशन बनेगा उस हिसाब से आगे फिर हम लोग वार्ता अच्छा, करेंगे। ये जो पेशेंट है इनका क्या कुछ परेशानियाँ हैं, मतलब किन किन जगह पर ज़्यादा तकलीफ है, चोटें आई हैं? ये जैसे डॉक्टर से भी हम लोग मिले, पेशेंट से भी हम लोग मिले, पेशेंट तो कोमा में है, बेहोशी हालात में है, उनका होश नहीं है, तो डॉक्टर से हम पूछे कि इनका रेट ऑफ रिकवरी कितना परसेंट है, कब तक ठीक होने का उम्मीद है, किधर किधर चोट है, तो माथा पे जो है कि कोई पार्टिकुलर नहीं बल्कि पूरा माथा का पूरा फैला हुआ इनका चोट और बहुत गंभीर चोट है। इनका कितना दिन लगेगा और कितना परसेंट रिकवरी है ये तो डॉक्टर भी नहीं बता पाए, लेकिन पहले से जो है कि रिकवरी का संकेत आया है पेशेंट पर, इसलिए पूरा परिजन, पूरे गांव वाले, पूरा JBKSS टीम और पूरा ट्रक ओनर से भी एक सहमति बना कि इनका जान किसी तरह बच जाए और इसका बेहतर इलाज के लिए हम लोग ट्रक एसोसिएशन के सहयोग से हम लोग मेदांता लेके जा रहे हैं पेशेंट को। अभी एम्बुलेंस भी लगी हुई है वेंटिलेटर वाला और वहाँ आगे हम लोग इसका बेहतर ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से झारखंड में इस तरह का घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर रोकथाम को लेकर कोई पहल कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए इसके लिए तो सरकार है, हम लोग भी अपने स्तर से लगातार संदेश देना चाह रहे हैं और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से
यही संदेश देंगे कि सतर्कता सावधानी ही जीवन है और दुर्घटना से बचाव है। वहाँ जिस जगह पे ये घटना घटा है, अगर वहाँ की जिक्र करें तो वहाँ एक पुलिया है, रोड काफ़ी ख़राब है, एक मोड़ टाइप का है, आए दिन लगातार दिनों दिन उस जगह पे घटना घटते रहती है। लेकिन जो चलाने वाले चालक हैं वो भी अपना बहुत तेज़ रफ्तार से तेज़ गति से चलाते हैं, जिनके वजह से इस तरह का घटना घटता है। तो हम यही संदेश देंगे कि जो भी गति सीमा तय किया गया है उसी गति सीमा के अनुरूप सभी चालक अपना वाहन चलाएं, सतर्कता से चलाएं, क्योंकि जीवन बहुत कीमती होता है। और अगर इनका बात करें तो महज 25-26 साल हो रहा है, इनका पत्नी है, इनके पीछे एक इनका बच्चा है, इनका बूढ़े माँ बाप है, इनका जीवन के पीछे कम से कम 5-6 आदमी का जिंदगी का ये आश्रित है। तो इसीलिए यह जिंदगी बहुत अनमोल है, सावधानी बरतना चाहिए चालक को भी। यार ये तो खैर निर्दोष थे, ये तो रोड किनारे खड़े थे और ट्रक ने जाके इनको मारा था। और जैसे ही हम लोग ने सुना, अभी आज हम लोग का धुरुआ में भी ज्ञापन देना था, JEPC झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय जा करके निदेशक को, वहाँ के 80 उत्कृष्ट विद्यालय के जो सफाई कर्मी, माली और सुरक्षा प्रहरी को का विभिन्न मांगों को लेकर के, फिर उस प्रोग्राम को हम लोग आज तत्काल स्थगित करते हुए, इसको आकस्मिक और इमरजेंसी प्रोग्राम देखते हुए हम लोग यहाँ आए और आए और सकारात्मक वार्ता हुई। और हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से ट्रक के मालिक सतीश जी ने जो वादा किए हैं पूरा अंतिम तक इस वादा को निभाएंगे। दादा ये जो दुर्घटना हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? अभी आप लोग यहाँ से सिंहपुर नर्सिंग होम से इसको रेफर कर रहे हैं, तो क्या कुछ बातें निकल के आया? जो ट्रक ड्राइव के लोग हैं, जो ट्रक वाले का ऑनर है, वो आपके बातों को सुना कि आगे का जो खर्चा है जो कुछ भी है इसको लेकर? हाँ, वो जो ट्रक ऑनर है वो बोला कि जितना भी खर्चा होगा उसका सब हम अपने तरफ से वहन करेंगे। अच्छा, जो ये जो पीड़ित है जो अभी एक्सीडेंट हुए हैं, एक आपके कौन लगते हैं? ये भतीजा लगते हैं। भतीजा लगते हैं। अच्छा, पहले से जो स्थिति था जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ, विगत 4-5 दिन हो रहा है, उस दिन से थोड़ा बहुत भी रिकवर हुआ है कि नहीं? इसे तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि रिकवर हुआ है, लेकिन जब तक लड़का का होश में नहीं आने तक हम कैसे बता सकते हैं कि ठीक हुआ है। इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है इसको लेकर क्या कहिएगा? और भी लोग इस तरह से जूझ रहे होंगे, उसको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो गाड़ी का ड्राइवर है ना, उन लोग क्या बोले, मतलब गाड़ी का जो चाल है उसको मन स्थिर बना के चलाएं बस। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार से भी जानने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनके पापा लोग से भी हम बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोग समर्थ नहीं थे, वो बोलने के हालत में नहीं थे, जिस वजह से हमें इनसे बात करना पड़ा। हालांकि इनकी बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।